महाराजगंज के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के पुत्र और महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के पूर्व राजद उम्मीदवार रणधीर सिंह का एकमा नगर पंचायत के भुएली गांव में पहुंचने पर पूर्व जिला परिषद उपाध्यक्ष नागेंद्र सिंह के आवास परिसर में राजद कार्यकर्ताओं द्वारा गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। इस दौरान एक कार्यकर्ता बैठक आयोजित की गई, जिसमें आगामी 2024 में होने वाले लोकसभा के चुनाव की तैयारियों की रणनीति पर विशेष चर्चा की गई। समर्थकों व कार्यकर्ताओं ने आगामी संसदीय चुनाव में महाराजगंज लोकसभा से राजद उम्मीदवार रणधीर सिंह को भारी मतों से विजयी बनाने का संकल्प भी लिया। राजद की छपरा विधानसभा के पूर्व विधायक रणधीर सिंह ने अपने संबोधन के क्रम में कहा कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने से भाजपा के लोग तिलमिला गए हैं। जगह जगह विधायकों के आवास पर सीबीआई एवं ईडी की छापेमारी व जांच केंद्र सरकार द्वारा विधायकों के विरुद्ध कराई जा रही है, जिसका आने वाले दिनों में जनता हिसाब लेगी। इस अवसर पर पूर्व मुखिया देवेंद्र सिंह, पूर्व प्रमुख प्रतिनिधि सह एकमा बाजार नगर पंचायत चेयरमैन प्रतिनिधि सीटी सिंह, विजय सिंह, पूर्व जिला पार्षद रूपेश सिंह छोटू, शिक्षक नेता समरेंद्र बहादुर सिंह, विजय यादव, हरी सिंह, केशव पटेल, दिलीप सिंह, साथ ही पैक्स अध्यक्ष भरत सिंह, सरपंच ब्रिज मोहन सिंह, भोला सिंह इत्यादि लोग सैकड़ों की संख्या में मौजूद थे। महाराजगंज के एक एक गांव में जाकर हर वर्ग के लोगों से मिलूं, उनसे उनके बातों को सुनूं, अपने बातों को रखूं, सबको मिलाकर आगे मजबूती से 2024 का चुनाव लड़ना है। क्या आज से आपने लोकसभा चुनाव के लिए कार्यकर्ता मीटिंग स्टार्ट कर दिया आपने? मैंने आज से नहीं कर दिया, हमारा कार्यकर्ता मीटिंग पिछले एक महीने से चल रहा है। हर प्रखंड में मैं कर रहा हूँ, हर प्रखंड के एक एक पंचायत एक एक गांव में जाकर लोगों से मिल रहा हूँ। और मेरा ये मिलना घूमना और कार्यकर्ता से मिलना कोई पहली बार नहीं है। मैं चुनाव हारने के बाद भी लगातार लोगों के संपर्क में हूँ, हर समय हर रोज मैं लोगों के बीच में ही रहता हूँ। जुड़ो दीक्षांत से, पाओ छुटकारा कोचिंग इंस्टीट्यूट से, गूगल प्ले स्टोर से दीक्षांत ऐप डाउनलोड कर अपने स्टडी को बनाओ आसान और मजेदार। दीक्षांत देता है टॉपिक वाइज वीडियो विद एनिमेटेड विजुअल्स एंड कॉन्सेप्ट वाइज स्टडी मटेरियल।